संकल्प अभी जा रही है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। 12:30 बज चुके हैं, एक बजने को आ गए हैं, संकल्प अभी जा रही है। लवली भैया कि भाई अगर आप ऐसे ही अनदेखी करते रहेंगे राजस्थान के बेरोजगारियों की, तो आप ये मान के चलिए उसका गुस्सा फूटेगा, और उसका गुस्सा जब फूटेगा तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए राजस्थान के बेरोजगार जवान की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें सरकार। मैं बलजीत यादव निर्दलीय MLA उन्हीं बेरोजगार युवाओं के दम से विधानसभा में हूँ, ना कि किसी पार्टी या नेता की मेहरबानी से। मुझे अपने कंधे पे बिठा के वही राजस्थान की विधानसभा छोड़ के गए, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि उनकी जो समस्या है उसको सरकार के सामने रखूं। सरकार नहीं सुन रही है, कोई उन बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। मैंने कहा बार बार कि 23 स्टेट में राजस्थान के युवाओं के सिलेक्शन रेट 0 है नौकरियों में, अलग अलग कानून बना के उनको रोका जा रहा है, और यहाँ पर जो आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, तो बिल ला के रक्षा करें उनकी भी, या फिर पूरे देश में वो कानून खत्म हो सब जगह, कोई भी कहीं रोजगार पा ले। और अगर रोक है, अगर हम अपने स्टेट को यही दे देंगे रोजगार, तो फिर आप भी दीजिए ना, और भर्तियाँ निकालिए, संपूर्ण निकालिए, कुछ कुछ निकालने से नहीं होगा। और किसान है उसकी फसल को नहीं खरीदा जाता, बाजरा 45% पूरे देश में जितना बाजरा होता है उसका मेरा राजस्थान पैदा करता है, वो बगल के स्टेट में समर्थन मूल्य पर बिकता है 2150 रुपये में, मेरे राजस्थान का किसान 1200 रुपये क्योंकि बेचने को मजबूर है आधे रेट के ऊपर तकरीबन। तो ना किसान के साथ न्याय हो रहा, ना उसके खेत को पानी मिल रहा, कहीं भी मैंने कहा नदियों को जोड़ के बारिश का पानी जो भी इलाके नहर से पानी पहुँचाया जाए जिस एरिया में पानी की समस्या है, ताकि किसान को आबाद किया जा सके। और जहाँ किसान आबाद हो गया तो अपने आप ही स्टेट आबाद हो जाएगा, तो ना तो किसान की समस्या को ध्यान में रखा जा रहा है, और ना बेरोजगार जो उनके बच्चे हैं किसान मजदूर मिडिल क्लास के, उनके समस्याओं को ध्यान में रखा जा रहा है। यादव जी, लेकिन सरकार ने बिल पास किया, आपने जनता की आवाज़ को सदन के पटल पे भी रखा, वहाँ कोई ठोस आश्वासन आपको मिलता हुआ दिखा? क्योंकि आपको तो मजबूर होकर के काले कपड़े पहन के आज यहाँ निकलना पड़ गया जयपुर की सड़कों पर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बिल आया एक कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी सीकर, और उस बिल में ये आई बात कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो बताया बिल्डिंग और वो सब चीज़ें, वहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और कुलपति जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के उदयपुर के कुलपति है, वो 4 लोगों की कमीशन रिपोर्ट में भी सब कुछ है, और जब चेक करवाया मौके पर स्पीकर को शिकायत करी, स्पीकर ने कलेक्टर को भेज के मौके पर चेक करवाया, तो वहाँ वास्तव में कुछ ही नहीं है। तो सरकार ने बिल वापस ले लिया,
चलो बिल तो वापस ले लिया आपने, लेकिन जब ये प्रमाणित हो गया कि रिपोर्ट फर्जी है, यूनिवर्सिटी बना रहे थे आप, और यूनिवर्सिटी है ही नहीं, वो यूनिवर्सिटी किसी को बना के दे रहे थे, इतने फ्रॉड आदमी को वो क्या करता हूँ? मंत्री ने कहा सदन में कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने जांच रिपोर्ट मांगाई है। जांच जांच क्या करेंगे आप बताओ? जब बिल वापस ले लिया तो प्रमाणित हो गया ना कि झूठी रिपोर्ट है। रिपोर्ट है तो जनता ये चाहती है कि हम, और विधानसभा में हम बैठे थे, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि हम सदन से बाहर निकलेंगे, टीवी पे चल कर लेकर अरेस्ट कर लिया उन सब लोगों को, गिरफ्तार कर लिया, ये जब माना जाता ठोस कार्रवाई हो रही है सरकार की, यही सब जांच करेंगे वो करेंगे। अब जयपुर यही रामकृपाल मीणा ये प्राइवेट कॉलेज चलाता था, इसके जो सारे एग्जाम के सेंटर होते थे, सारे जितने आर एस का हो, रीट का हो, पटवारी हो, और कोई हो, सबके एग्जाम सेंटर होते थे, प्राइवेट आदमी, उसको शिक्षा संकुल में स्ट्रांग रूम पर क्यों रखा गया? जहाँ पेपर रीट के रखे गए उसकी चाबी उसके पास, उसने पेपर वहीं से निकाला और उसके खुद के कॉलेज में सेंटर है रीट का, और फिर पूछा गया तो बताया कि जयपुर कलेक्टर ने रखा था। तो मैं जानना चाहता हूँ सरकार से पूछा कि भाई जयपुर कलेक्टर ने क्यों रखा प्राइवेट आदमी को, जब इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, फिर उसको क्यों रखा? और रखा तो क्या कारण था? गलत रखा, मनसा गलत थी, तो आपने कलेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और यह बताना चाहिए, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि कलेक्टर ने क्यों रखा इतने कर्मचारी होने के बाद भी इसको, और फिर कलेक्टर ने गलती की कार्रवाई करो, या कलेक्टर को किसी ने कहा है तो उस पर कार्रवाई करो। पकड़ो तो सही बड़ी मछली को, इन छोटे छोटों को पकड़ने से क्या होगा? जब मुझे स्टूडेंट ने बिल आ रहा था तो सुबह आके बताया कि सर आज बिल पे चर्चा है। सर ये रामकृपाल मीणा 18 में भी 8 लाख मांग रहा था नीट के लिए बड़े भाई से, और कहा कि सर हमें ये कहा दूसरे भाई इस बार भी पैसे दे दोगे, 10 लाख नहीं दिए, एग्जाम हो गया और हमने कहा यार सलेक्शन नहीं होगा, तो बोले आज सीट ही बदला दूंगा, नहीं आ जाएगी, आपने गलत किया, उसको भी नई सीट भर दूंगा, आपका सिलेक्शन करा दूंगा। तो ये दौड़ कब तक चलती रहेगी सरकार में? तो आपने सदन में भी बहुत जोर शोर से सारी बातें पर, ये दौड़ कब तक चलेगी? सूर्य अस्त होने तक मैंने दौड़ करके विरोध करने का संकल्प लिया। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के जवान ना तो कमज़ोर हैं, ना कायर हैं, है ना, ना किसी से डरते हैं आप लोगों से, तो आप बस इतना सा रहम करिए हम पे, हम शांतिप्रिय लोग हैं, इसलिए गांधीवादी तरीके से अपने आप को कष्ट देके ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम वास्तव में पीड़ा में, आप रहम करिए हमारी पीड़ा को समझिए, ये बलजीत यादव के अकेले की पीड़ा नहीं है, ये लाखों बेरोजगार जवानों की पीड़ा है, ये लाखों बेचारे मध्यम वर्गीय गरीब किसानों की पीड़ा है, क्योंकि उनके बच्चे संकट में, उनका भविष्य संकट में। तो पहले कहते थे पढ़ लिख करके भविष्य बनाया जाता है, लेकिन अब तो गाँव में ये चर्चा होगी कि पढ़ लिख के कुछ नहीं मिलता, अब तो फ्रॉड करो और खरीद लो, पैसे वाले बनो और पैसे फ्रॉड लोगों से पेपर खरीद के और तिक्रम करके, तिक्रम से भविष्य बनाया जा सकता है, मेहनत करके ईमानदारी से भविष्य नहीं बनता है, ये समाज के लिए बहुत ही घातक बात है। तो कुल मिला करके विधायक जी जो है वो दौड़ लगा रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, उनके साथ में काफ़ी तादाद में लोग जो है युवा है वो भी उनके साथ में दौड़ रहे हैं, प्रण लिया उन्होंने कि पूरी उदय से लेकर के पूरी अस्त तक वो दौड़ेंगे, और उनका ये प्रण जो है वो सरकार के कब तक कानों की जीत हो, कानों की कब तक आवाज़ पहुँचाएगा, सरकार का जो सारा जो प्रशासनिक अमला है, हम वो अमला जो है वो इस सेंट्रल पार्क के अंदर मौजूद है, ये करीब 4 किलोमीटर का ये चक्कर कहा जाता है, कई सौ चक्कर जो है वो विधायक जी अपने समर्थकों के साथ शाम तक लगाएंगे। बड़ी बात ये है कि विधायक जी ने सदन के पटल पर भी अपनी बात को रखा, तो वहाँ कोई बात नहीं हुई।